हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सहानुभूति और दया में क्या अंतर है। देखो, ये जो सीरीज है हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जो कि हमको सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए चाहिए। ओके, और हमने जाना कि वो ये 19 वैल्यूज हैं, अगर हमने डेवलप कर ली तो हम एक सक्सेसफुल इंजीनियर इजिली बन सकते हैं। केवल इंजीनियर ही नहीं, कोई भी प्रोफेशन में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये दो शब्द है कि एम्पैथी एक वैल्यू है, ओके, और पिटी एक बेसिकली फीलिंग है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि जनरली ये जो शब्द है ना, हमको एक जैसे लगते हैं, हम किसी भी शब्द को कहीं भी यूज कर देते हैं, तो अगर हमको सटीक इनका अंतर पता है तो हम उसको सही जगह यूज कर पाएंगे। अरे, तो हमारी जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो बेहतर होगी, और अगर हमको चीजों का सही तरीके से उसका आइडिया है कि क्या है, तो हम उसके बारे में समझ भी पाएंगे और उसको सही से कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो यही इस सीरीज के थ्रू मेरा मकसद है कि सही चीजों को सही तरीके से समझ के इंप्लीमेंट करना। धन्यवाद। चलो, तो अब डिस्कस करते हैं कि आखिर एम्पैथी और पिटी में क्या अंतर है। ओके, तो देखो, एम्पैथी और पिटी में क्या अंतर है? यहां मैं लिखता हूं एम्पैथी और यहां मैं लिखता हूं पिटी। मोटा मोटी अपन दो तीन अंतर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि एम्पैथी क्या है। देखो, एम्पैथी है ना, एक एबिलिटी है, ये क्षमता है तुम्हारी। एबिलिटी तो हम बचपन से या जन्म से लेके पैदा नहीं होते हैं, ये हम डेवलप करते हैं। एबिलिटी स्किल है ये। ओके, हम धीरे धीरे एम्पैथी को सीखते हैं, और मैंने अपने एक पुराने वीडियो में सिखाया बताया था कि आखिर हम एम्पैथी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि पिटी क्या है? पिटी एक फीलिंग है। ओके, ये फीलिंग है। तो फीलिंग तो बेसिकली तो ये जमीन आसमान का अंतर हो गया। एक तो क्षमता है और दूसरी फीलिंग है। ओके, क्षमता डेवलप करते हो, फीलिंग होती है। अब ये हो सकता है कि अगर तुमको तुम्हारे अंदर पिटी है, करें पिटी का मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर वो फीलिंग है, और फीलिंग कब आएगी? जब उसका संज्ञान होगा। तो पिटी बिना एम्पैथी के नहीं हो सकती, बिना एम्पैथी के नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, करें। लेकिन एम्पैथी हो सकती है बिना पिटी के, करें। ये पॉसिबल है विदाउट पिटी, करें। कैसे कैसे? देखो, एम्पैथी का सिंपल मतलब क्या है? एम्पैथी का मतलब है कि तुम्हारे अंदर, ओके, दूसरों के चीजों को, दूसरों के बारे में समझने की क्षमता। ओके, कि उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है। ओके, लाइक हम बोलते हैं ना कि पुट योर सेल्फ इन अदर शूज, तो इसका मतलब है कि तुम अपने आप को दूसरों के बारे में संज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए, उसके अंदर इमोशंस होना चाहिए, और इसको सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। ये तीन पक्ष हैं तो बेसिकली तुम एम्पैथी डेवलप कर सकती हो। ओके, अब ये एम्पैथी है बेसिकली, तुम क्या कर रहे हो? एम्पैथी है कि तुम दूसरे लोगों की जो प्रॉब्लम है वो खुद समझने की कोशिश कर रहे हो, करेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि पिटी क्या है, एक स्पेसिफिक भाव है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति है। तो एम्पैथी हो सकता है तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे अंदर एक स्पेसिफिक भाव नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है, इन जनरल है, तुम किसी का भी चीजें समझ सकते हो। जबकि पिटी रहता है ना, पिटी में क्या है? पिटी में तुमको एम्पैथी होना ही चाहिए, करेक्ट। बिना एम्पैथी के ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर एम्पैथी अंदर नहीं है तो तुम्हारे अंदर, देखो, अगर तुम्हारे अंदर पिटी है तो पिटी कब आएगा? ओके, दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली बात तो दया कब आती है हमारे पास? दया जब आती है जब हमारे पास एम्पैथी का भाव हो। हमारे पास पहली बात तो भाव है दया आने का, और दूसरी बात हमारे पास स्टीमुलस है, स्टीमुलस है, करेक्ट। दया के लिए कुछ होना चाहिए ना कि अरे उसको देख के दया आ जाए, या उसको करते हुए दया आ जाए, हमने सोच लिए दया आ गई, कुछ भी, कोई स्टिमुलस होना चाहिए। तो दया के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए? एक तो स्टिमुलस होना चाहिए, ओके, जो कि बाहर से आएगा, और हमारे अंदर फीलिंग होनी चाहिए वो दया दिखाने की, करेक्ट। तो ये भाव है या फीलिंग है वो क्या है बेसिकली? वो एम्पैथी ही है, करेक्ट। तो बिना एम्पैथी के पिटी डेवलप नहीं हो सकती,
लेकिन के बिना पिटी के एम्पैथी डेवलप हो सकती है। अब क्या है, पिटी में क्या रहता है, दया है। दया का मतलब उसके अंदर बेचारगी का भाव है, तुमको लग रहा है कि ये मनुष्य खुद अपना काम नहीं कर सकता, वो असहाय है। ओके, असहाय है तो बेचारगी का भाव आता है इसमें। और तुम्हारे अंदर क्या है, इसमें मदद का भाव होना चाहिए, तुम्हारे अंदर फीलिंग होनी चाहिए उसको हेल्प करने की। करें तो ये तुमको संज्ञान हो जाए कि वो खुद हेल्प नहीं कर सकता और तुम्हारे अंदर फीलिंग हो तो दया आ जाएगी। लेकिन इस केस में एम्पैथी के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर ऐसी चीजें हों, बेचारगी हो। ओके, तो ये आवश्यक नहीं है, ऐसे बोल सकते। तो ये बेसिकली अपन मोटा मोटी तीन चार बातें हैं। ओके, तो होप इस वीडियो के थ्रू एक आइडिया लगाओ कि एम्पैथी और पिटी में क्या अंतर है। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। ओके, जानने के लिए वो फाउंडेशनल वैल्यू जिसके थ्रू तुम एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकते हो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।